हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अजोगी तो पहाड़ी UK07। आज हम इस ब्लॉग में जो हम बना रहे हैं, इसमें हम आज मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक का पूरा शुरू बनाएंगे, बस दिन में मिस रहेंगे क्योंकि दिन में मैम भी ऑफिस, मैं भी ऑफिस। अभी बस बाहर इतना बढ़िया रेन हो रहा कि आज मन कर रहा गाना गाने का, मैं पानी पानी हो गया। ऐसे होता है, एक ये देखो बैठ बैठ का बवाल। उनकी चाय बन रही है, आप देखो ना हमारा भाई साहब क्या है तुझे है? गंदा बच्चा, सबसे ज्यादा परेशान करता है मुझे, बहुत ज्यादा। गीता जी की चाय डले जावे दूध। ओ भाई, सारा दूध खत्म कर दिया तो वाइट वाइट हो गया। मुझे तो भी पिएगा, तू पिएगा चाहिए हाँ? बवाल जो बाहर में बैठ रखा, इसको लगी भूख। ऐसे पता नहीं हम बना रहे हैं चा, इसे चाहिए चा। देखिए बाहर का मौसम कितना ठंडा हो रखा भाई साहब। फिर तो ना पड़ेगी बर्फ, नहीं पड़ी ना कितू ना, नहीं पड़ी बर्फ, बस ठंडा हो गया बहुत ज्यादा। है ना बेबी, है ना बेबी? भीगा क्यों है, भीगा क्यों, भीगा क्यों मेरे बच्चा? सबसे ज्यादा प्यार करता है मुझसे। मेरी माता नहा के पूजा भी कर गई और हम दोनों ने अभी तक मुंह नहीं धोया है। आ तो बहुत देर होगी मेरी माता को, पर फिर भी हम लोगों ने अभी तक मुंह भी नहीं धोया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, वेरी गुड, थैंक यू। ये चाय बन गई, चाय पीते हैं अब। चलिए गीता जी की चाय आ गई है। मम्मी आ जा चाय पीने। सो गाइज, मैं घर आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। तो आज है चॉकलेट डे, तो मैंने उनके लिए कुछ चॉकलेट्स लाई हैं, आपको दिखाती हूँ। ये है चॉकलेट्स, ये चॉकलेट्स मैं उनके लिए लेके आई हूँ। यूजली वो चॉकलेट्स मैं उनको देती नहीं हूँ कभी भी, मतलब आज दिया नहीं है कभी, बहुत रेयर चांसेस है कि हम चॉकलेट खाते हैं, हम वैसे खाते नहीं हैं। तो आज मैं उनका रिएक्शन देखूँगी। वैसे इससे पहले मैंने उनको चॉकलेट कभी दी नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो उनका रिएक्शन देखेंगे कि क्या कहते हैं वो चॉकलेट देख के। तो मैं साइड में कैमरा लगा लूँगी, तो फिर आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे सामने से कैमरा रखूँगी तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं चुपके से किनारे पर रख देती हूँ और उनका रिएक्शन नोट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज बारिश के दिन मैं चल रहा हूँ ऑफिस से घर, और इसके बाद मैं आज अपनी गीता जी को लेके जाऊँगा शादी में। बारिश की नीचे जोरी फटाफट यहाँ से भाग रहा ऑफिस से, और सीधे जाऊँगा शादी में। शादी में नहीं, पहले घर जाऊँगा गीता जी के लिए सरप्राइजली चॉकलेट लेके, क्योंकि आज चॉकलेट डे है ना, तो चॉकलेट लेके जाऊँगा फटाफट। मेरी गाड़ी भी बहुत दूर खड़ी करता हूँ यार मैं ऑफिस से, हद से ज़्यादा। ओहो, कहाँ है मेरे धनो, वो रही मेरे धनो सामने। अब मैं जा रहा हूँ अपने धनो के पास। गाड़ी में मैं पहुँच गया हूँ, कसम से गाड़ी पहुँच गया। बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही, पार्किंग वाला कह रहा है कि बर्फ़ पड़ी बहुत, थोड़ी बहुत देहरादून में पड़ी होगी भाई, हम तो ऑफिस में थे। बहुत ठंड लगी, मैं थोड़ा भीग गया। अब मैं जा रहा हूँ घर और अपने गीतू के लिए लेके जाऊँगा चॉकलेट डे का चॉकलेट। फ्लावर तो मैंने दे दिया था उन्हें, चॉकलेट लेके जाऊँगा फिर उन्हें तैयार करके सीधे शादी में, है ना। चलो निकलते हैं यहाँ से। और गाइस, अब मैं हो चुका हूँ तैयार, गीता जी अभी भी तैयार हो रही हैं। मैं घर पहुँच गया था कब से, आते हुए फटाफट नहाया, तैयार हुआ, ये देखिए अभी भी तैयारी हो रही है। मैंने कहा था ना आपको लेट करेंगे, वही गए इन्होंने लेट। भाई साहब इतना ज़्यादा मेकअप देख रहे हो तुम, कहीं नहीं कर दिया जो मैं। हम दोनों ने, इन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद ये और कुछ, गाइस नहीं 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 नहीं, इन्होंने सोच रखा है कि रिटायरमेंट के बाद ये मेकअप का एक पार्लर खोलेंगे और मैं उसमें कस्टमर लाऊंगा क्योंकि मेरी मार्केटिंग सेंस अच्छी है, इन्होंने कहा है ये चीज, कसम से कहा ना तुमने क्या कि मेरी मार्केटिंग अच्छी है, मैंने कहा है। बट इन्होंने मुझे आज चॉकलेट दी तीन, अभी दिखाऊं मैं आपको, अभी दिखाता हूँ। इसकी इनकी वीडियो बनाई थी उसकी सरप्राइजली वहाँ पे छुपा के, मैं वो दिखाऊंगा आपको अभी। हाँ, वो इसकी इसकी तुरंत बाद दिखाता हूँ मैं वीडियो, देखना अभी आप देखना
जैसे मैं अंदर आया, मेरे को मैं ऑफिस से आया, इन्होंने सरप्राइज में डर गया। मैं तीन तीन चॉकलेट, मैं तीन तीन कहाँ से आए यार ये? रिएक्शन जो था ना वो बेकार था यार। जैसे जिंदगी में सरप्राइज नहीं मिला वो रिएक्शन कैसे देगा? ये माजी इन्हें बोलो जरा, कोई जरा जल्दी तैयार हो जाए, चलना नहीं है इनको। बस लग रहा है बाबू थोड़ा सा बस। ठीक है ठीक है। सो गाइस यही है वो वीडियो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो मैंने चुपके से शूट किया। आपके लिए हैप्पी चॉकलेट थे। थैंक यू, मुझे लाना है पूरी यार। खाओ मेरी कसम। कहाँ है मेरे पे? कोई बात नहीं, अभी ले लूँगा। गीता जी तैयार, मेरा बूजी शायद आपको देख नहीं रहा होगा। बूजो से हेलो। बेटा घर का ख्याल रखना हाँ, जब तक हम आएंगे नहीं। इतना भौंकना कि मोहल्ले वाले जाग जाएं, कोई आ गया तो। ठीक है, बहुत अच्छा कुत्ता हमारा। चलो बारिश शुरू की, बाहर में यही देखने आ रखा था। आराम से अपनी धुनों में बैठ के मैं और गीता जाएंगे शादी में। मम्मी पहले पहुँच चुकी है, सुबह मैंने मम्मी को ड्रॉप कर दिया था। बस भाई तेल हम खाना लाएंगे, बढ़िया सा लाएंगे, नहीं बना के जाएंगे। ठीक है, वैसे इनका मेकअप नहीं ख़त्म हो रहा है। आफ्टर 20 मिनट्स मेकअप नहीं ख़त्म हो रहा है इनका। हैं, इनका मेकअप कब ख़त्म होगा? जो तुम झूठ मत बोलो, ठीक है। 20 मिनट्स हो चुके हैं भाई, इनका मेकअप नहीं खत्म हो रहा। मैं यहाँ तैयार तैयार देखो कब से तैयार हो रखा हूँ, जूते तक पहन दिए मैंने। अज्जू मैंने कुछ कर नहीं लगा, बाद में लोग बोलेंगे कि मेकअप इतना देर लगा दिया, किया क्या कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, लोगों का काम है कहना, उनको काम है हमारा दिखाना। देखो मैं पेंटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। पेंटिंग कर रही है, ठीक है ठीक है। इतना ध्यान लगा के लगा रहे हैं मेकअप भाई साहब। मेकअप नहीं करते जी, मैं दिख रहा, बहुत लाइट कर दिख रहा, देख रही है ये जनता। मम्मी भी देखेगी, सब देखेंगे। ऑब्वियसली गाइस आखिरकार हम निकल रहे हैं घर से ना, बहुत ज्यादा टाइम लगा तैयार होने में, बहुत ज्यादा। चलो जल्दी बुझो, घर का ख्याल रखना, आते हैं। हाँ बाबा, चलो मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ तब तक। गीता पड़ोसी आंटी को बता रही कि आंटी जी हम जा रहे हैं, और आंटी जी बाहर नहीं निकल रही। कहाँ है आंटी जी? ये तो हम ऐसे लेट हो रहे, मम्मी को दो बार फोन। गाइस आखिरकार एक घंटे की सजावट के बाद हमारी मिसेस की, हम लोग अब चलते हैं शादी में दर्शन देने लोगों को, क्योंकि भैया लोग के भी फोन आ रहे बार बार, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। और आखिरकार हमारी मैम साहब आ गई है, हाय करो सबको। हेलो गाइस। अच्छा मैं इस चीज में एक चीज और है, मैं मात्र 15 मिनट में तैयार हुई। 15 मिनट में हुई ना? अच्छा ठीक है, आज चॉकलेट डे है तो इन्होंने तो मुझे 3 चॉकलेट दे दी, तो मैंने भी इनके लिए मुझे एक सरप्राइजली चॉकलेट लाया था। और हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू। और एक प्यारा सा रोज भी लाया था मैं। देख लिया मैंने। और ये रोज भी इनके लिए। थैंक यू। क्योंकि अंदर देना तो यू नो, कल भी दिया था आपने तो आज भी दे देते, क्या दिक्कत हो रही? रोज तो रोज ही देते हम। और ये देखिए, नहीं नहीं नया भाई, मैंने खरीदा नया भाई साहब, ये चॉकलेट का चॉकलेट। थैंक यू। और अब हम चलते हैं शादी में, क्योंकि अगर वीडियो बनाते यहीं रह गए तो हो गए फिर बवाल, और कुछ नहीं होगा फिर। किस्मत हम दोनों की जो किस्मत है वो वैसी बड़ी लेट है। आप देखो ना, नहीं नहीं है भाई, आप देखिए हम लोग तो जल्दीबाजी में निकल रहे कि भाई शादी वहाँ पहुँचना है, और अभी यू नो फाटक लग गया है, ऐसे फाटक की वजह से हो गया हम लेट। कम से कम 15 मिनट का स्टैंड यहाँ पे रहेगा हमारा। वैसे मैंने ये चीज़ कही, अगर मेकअप करने वाले समय को समझें तो हर जगह हम समय से पहले पहुंच सकते हैं। इनके ना चलते फिरते कुछ गाड़ी, कोई ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए मैंने कि जैसे चलते फिरते हिले ना। मैंने कि जितने देर में आपने कपड़े वो किया, कितनी देर में भाई साहब? 5 मिनट क्या है इसमें? ओड़ा दो बार कपड़े चेंज किया आपने, झूठ मत बोलो। एक बार मेरे पास फोटो भी है तुम्हारी, और चश्मदीद गवाह भी है कोई। कौन है? इनकी फ्रेंड सुरजाना चश्मदीद गवाह है बल। अरे मैं तो ऐसे ही, इन्होंने मुझे बोला था, वो कह रहे थे अच्छा नहीं लग रहा बल, जबरदस्ती। मैंने कहा चलो साली बोल रही है तो सुन लेते हैं। उसने बोला अच्छे लग रहे हो। अच्छे लगे बोला था? मैं जरा घर हो क्या रहा। मैं कहता मैं चश्मा भूल गया। ओहो मेरे भी थोड़ी आईज वीक हो रही है, आपको प्रेशर पड़ रहा है। ओहो हम लोग कैसे अटके हैं फाटक में? जस्ट अगर हम 2 मिनट पहले निकलते ना, भाभी वो थोड़ा टाइम वहाँ पे लग गया, भाभी को बोलते हुए अटक गए फाटक में, अटक गए। ओहो कहाँ रहेगी ट्रेन?
आखिरकार हमारे समय खत्म हुआ, ट्रेन आ चुकी है। भैया बहुत लेट हुआ, 15 मिनट अब ट्रेन आ गई और यहाँ से हम भागते हैं फटाफट। हमें जाना कम से कम 15 किलोमीटर दूर। वाह 15 हो गया सब जगह। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। गाड़ी में बैठने के लिए तुम 4 किलोमीटर पे ले जाओ ना, इन्हें उल्टी आ जाती है भाई साहब। ओ भाई तुम्हें पता है, सीख लेते हैं। ड्राइवर को ड्राइवर हमारे को ड्राइवर प्रो प्लेयर सिग्मा रूल्स मार दिए इन्होंने भी। यहाँ आगे ट्रेन आ गई भाई, तू भी बहुत जल्दी। वही वाली ट्रेन तो नहीं है? ना ना ना, वो तो जा रही थी ना, वो जा रही थी। वो गोल चक्कर मार के गाड़ी, वो बिच्छू को खेल रही क्या? रेलगाड़ी है। चलो बढ़िया है, आगे ट्रेन। गाइस कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ यार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई बोले नेचुरल मेकअप। फर्क देखो भाई साहब, नेचुरल नेचुरली बाबू चलो ठीक है ठीक है। चल ट्रेन आ गई, चलो गाइस मिलते हैं स्पॉट पे। ये लगा दी मैंने गाड़ी, अब चलते हैं हम अंदर पहाड़ी एंजॉय करने के लिए। वाह यहाँ काफ़ी लोग बैठ रखे हैं हमारे, अपने भैया भाभी, ये मेरे मामा जी लोग, मामा प्रणाम। चलो ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो वीडियो वीडियो। अरे वीडियो बन रही है आपकी? गुड। ये है मेरी नानी जी, मेरी भाभी जी पीछे, नानी जी प्रणाम। ये भाभी जी, वो दूसरी नानी मेरी, मेरे भाई बहन लोग बैठ के, मेरी दूसरी नानी बीबी जी, ये देखिए सब बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मस्त तरीके से। ये मेरी बीबी देखिए कॉफ़ी पी रही है मम्मी जी के साथ। और कॉफ़ी कैसी लग रही है आपको? एंजॉय कर रहे हैं आप कॉफ़ी को पूरा है नानी जी। और ये देखिए यहाँ अंदर चल रही है मस्त कॉकटेल। अब चलते खाने पे। ये देखिए गीता जी और भाभी जी ले रही है खाना। वाह नानी जी पीछे खा रही, देखो जरा अपना खाना दिखाओ, खाना दिखाओ। ओ भाई चिकन रोटी, भाभी जी का चिकन कहाँ है? अच्छा आ रहा है, ओके गुड। भाभी जी चिकन लेंगी। हो गया हमारा खाना खत्म, ये मेरी धन्नो। अब हम चलते हैं घर की तरफ। सबसे पहले तो मैं ड्राइवर हूँ, इन लोगों को तो मैंने छोड़ दिया, वो जा रहे सामने घर पे। ये मेरे फ्रेंड आकाश का घर है। ओ कितनी प्यारी चिची है, जा ले जाओ आज अपने घर। मेरे घर में कुत्ता है, कोई बात नहीं उसके कुत्ता चार है। दिन का चिकन हो जाए, कुत्ता छोड़ना है, छोड़ना नहीं उसको। कुत्ता ले जाओ, दिखाओ सकल दिखाओ। शीरू शीरू शीलू, उसने बना। ये देखो हमारे भाभी लोग को ड्रॉप करने के लिए वहां हमें मिली बिल्ली, इतनी प्यारी कैट, वो भी व्हाइट। इधर 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 इधर
चलो ले लो यहाँ से विदाई, चलो घर की तरफ। चल नानी भाई भाई टी आई हेट यू। इधर 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 भाग तो ऐसे नहीं जैसे मैं मार रहा हूँ। चलो घर चलो अब भाई, 11 बज गई। चल नानी प्रणाम। अभी हम लोगों ने छोड़ा है नानी जी को घर पे, अब हम जा रहे हैं अपने घर। और कसम से मजा आ गया पार्टी में, पता नहीं कहाँ है। उधर से पीछे देखना आप लोग, इनकी विदाई चल रही है अभी। चलो चलो गाइस चलते हैं जरा। गाइस हम घर पहुंच चुके हैं अब, और पतिदेव जी गाड़ी लगा रहे हैं। ओके गाइज हम घर पहुंच चुके हैं, और अब ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।